हेलो भाई दोस्त, तो कैसे हो आप सब लोग? यार तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत सुंदर और हैंडसम होंगे, मेरा मतलब ठीक ठाक होंगे। तो यार मैं आपके लिए आज एक और स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस, जैसे आपको पता होगा उसके पहले वीडियो में जो मतलब काफ़ी सारे बंदों को प्रॉब्लम आई थी यार कि आखिर मंकी किंग कैसे लिया जाएगा, क्या बहुत सारे मतलब जेम्स लग रहे थे इसमें। ठीक है, ये देखो यार 200 जेम्स लग रहे थे इसमें, ये चेस्ट को लेने के लिए और ये कार्ड सोन को खोलने के लिए। ठीक है, लेकिन यार इतने जेम्स कौन लगाएगा? ठीक है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। और यार इसमें आप बिल्कुल मतलब वेस्ट मत करना, ठीक है, ये 200 जेम को। क्या इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको ये कार्ड और ये चेस्ट मिले, हो सकता है कि आपको ये फोकटी चीज़ दे दे, मतलब ये चेस्ट दे दे या फिर ये कार्ड आपको मिल जाए। तो यार यहाँ पे आप बिल्कुल भी अपने जेम्स को स्पेंड मत करना। तो गाइस, जैसे कि आज की वीडियो स्पेशल होने वाली, क्योंकि देखो मैंने उनके जो सपोर्टर्स हैं निक्की गेम के, उनसे मैंने खुद मतलब बात करी है। और गाइस वो मतलब क्या बातचीत हुई मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं थी, छोटी सी थी बस। तो गाइस उसके पहले यार, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि हमारे 800 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, हम काफ़ी करीब है। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो यार चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या बातें हुई हमारी। ठीक है, तो यार फटाफट से पहले आपको बता देता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ हेल्प सेंटर में गया और गाइस इनके सपोर्टर्स को मैंने मैसेज किया कि देखो हाउ टू गेट मंकी किंग। ठीक है, मंकी किंग कैसे ले, और मैंने बाकी सारे मैसेज करे। विल मंकी किंग कार्ड विल बी फाउंड इन कमिंग इवेंट्स, मतलब कि जो मंकी किंग के कार्ड है वो आने वाले इवेंट्स में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने ये उनसे पूछा, और फिर उसके बाद मैंने पूछा बिकॉज सम पीपल्स कैन नॉट परचेज द जेम्स। जैसे कि मैंने ये आप तो भी समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, क्या मतलब कुछ बंदे ऐसे हैं जो मतलब जेम्स को खरीद नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस से मतलब डबल मैंने भेज दिया था गलती से। और यहाँ देखो गाइस, यहाँ मैंने मतलब रिक्वेस्ट करी है कि आप प्लीज़ जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करो, और मैंने बताया इनको सॉल्यूशन क्या, आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आप किस तरह से कर सकते हो। तो गाइस मैंने लिखा था आई हैव वन सॉल्यूशन, इफ़ यू गिव मंकी किंग कार्ड इन अपकमिंग इवेंट्स और लाइक द रेस्ट ऑफ द चेस्ट, मंकी किंग चेस्ट शुड ऑल्सो बी मिक्सड ऑन द बैटल फील्ड। तो गाइस देखो इसका मतलब ये है कि यार देखो, मैंने इनको इनसे मैंने प्रार्थना करी भाई कि प्लीज़ ये प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो, और मैंने इनको वो तो सॉल्यूशन बता दिया कि आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप मेरा आइडिया इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कि होगा तो नहीं बिल्कुल। लेकिन देखो यहाँ मैंने लिखा क्या था, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा था कि गाइस जो मंकी किंग के कार्ड है वो हमें इवेंट्स में मिलना चाहिए, और जो चेस्ट जैसे आते हैं बाकी के, हम जैसे फाइट करते हैं ना, उसमें फाइट करने के बाद जो हमको जो वो चेस्ट वगैरह मिलते हैं उसमें अगर हमको ये मिल जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैंने इसमें ये लिखा था और दूसरा कुछ नहीं, कि यार जो मंकी किंग का जो चेस्ट है उसको बाकी चेस्ट जैसे ही कर दो कि मतलब आराम से मिल जाए, मतलब ऐसा ना करो कि भाई मतलब सिर्फ जेम्स में ही खुलेगा वो, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा मत करना। ऐसा करो क्या मतलब जैसे बाकी कैसे हमको मिल जाते हैं, हम फाइट वगैरह करते हैं उसके बाद में, तो वैसे ही अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा, है ना। तो अभी आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्लियरली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इतना लिखा और बाद में इनका रिस्पॉन्स आ गया, टू ओपन द मंकी किंग इफ़ यू नीड टू कलेक्ट 10 शार्ट्स, ठीक है, ऑफ द कार्ड शार्ट्स इन फाउंड इन ये रोलेटी टूर्नामेंट एंड डेली चेस्ट, देर इज नो गारंटी डेट द चेस्ट विल कंटेन फ्रेगमेंट्स ऑफ द लेजेंडरी हीरो, इट इज़ अ मैटर ऑफ लक। तो यार देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका मतलब देखो, मंकी किंग को ओपन करने के लिए हमको क्या चाहिए, कार्ड चाहिए। कितने कार्ड चाहिए हमको? 10 कार्ड चाहिए। 10 कार्ड मतलब आप इकट्ठे कर लो, और उसके बाद में आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। उन्होंने ये बताया कि ये मतलब क्या है, आप मेरे को कमेंट में बताओ, ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये रिलेटेड टूर्नामेंट भाई कौन सा है। और ये देखो गाइस यहाँ पे देखो आप बाद में यहाँ लिखा है डेली चेस्ट, ठीक है, मतलब इसका मतलब तो यार हो सकता है कि वहीं से हमको मिलेगा, जैसा मैंने आपको कहा था इसके पहले वीडियो में कि हम जहाँ से हम बैटल वगैरह करते हैं हमको जो चेस्ट मिलते हैं ना उसमें से आपको मिल सकते हैं। अरे आ रहा, जहाँ पे मतलब बैटल करते हैं हमको जो चेस्ट वगैरह मिलते हैं ना वहाँ से हम इनको ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से मिल सकते हैं। और गैस यहाँ पे लिखा है कि इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से आपको मतलब हर चेस्ट में से आपको मिले, मतलब ये लक के ऊपर ही सब मेरा लक था, तो गैस में कोई कार्ड मिल गया है ना। और दूसरा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर वैसे भी बताया कि लेजेंडरी हीरो है और ये मतलब ये मैटर लक का है।
तो यहाँ पे दूसरा गाइस और कुछ नहीं है, बस ये सब बातचीत हुई, मैं अभी आपको समझाता हूँ अच्छे से गेम में आके। तो यार ये नो कनेक्शन क्यों बता रहा है, अबे भाई ठीक हो जा। तो गाइस हो गया बस थोड़ा। हाँ तो गाइस देखो, मेरे को लग रहा है जो डेली चेस्ट का इनका मतलब है ना, वो यहाँ से है। ये देखो इन चेस्ट में से यहाँ पे जो चेस्ट आते हैं ना, इनका मतलब था शायद से कि ये जो चेस्ट है यहाँ से हमको मंकी किंग के कार्ड्स मिल सकते हैं। अगर हम इन चेस्ट को खोला करेंगे ना मैच खेल करके, तो हमको यहाँ से मंकी किंग के कार्ड मिल सकते हैं। और गाइस और दूसरा तो ये रिलेटेड टूर्नामेंट मतलब क्या होता है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आया। मेरे को लगता है कि ये शायद ये हो सकता है, ये यहाँ पर जब फाइट करते हैं ये हो सकता है, या फिर ये तो बिल्कुल नहीं होगा यार, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि टूर्नामेंट थोड़ी ना ही है। टूर्नामेंट तो ये हो सकता है या फिर वो दूसरा कुछ होगा यार, इनका मेरे को नहीं पता। अगर आपको पता है तो मेरे को बता दो कमेंट में। तो गाइस एक बात तो मतलब क्लियर हो चुकी है कि आपको जो मंकी किंग के जो कार्ड है वो आपको चेस्ट में मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेजेंडरी चेस्ट में ही मिलेंगे, उसमें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लेजेंडरी चेस्ट में, लेकिन आपको इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। ये दूसरे चेस्ट आते हैं ना, जैसे कि अभी यहाँ साइड में आप देख लो, यहाँ चेस्ट है, फिर कॉमन चेस्ट हो गया, एपिक चेस्ट हो गया, इन सब में भी आपको वो मंकी किंग के कार्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उन्होंने खुद कहा है। तो गाइस यार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि देखो मेरे को उम्मीद थी कि उनका मतलब इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन आ गया यार। और जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो देखो गाइस वैसा ही हुआ, इन्होंने भी वही कहा, यहाँ से आपको मिल सकते हैं कार्ड्स। अगर आपको जेब्स नहीं लगाना है तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। और गाइस इवेंट्स में आने के चांसेस है, मतलब यहाँ पे ना जो यहाँ पे इवेंट आते हैं ये फाइट करने वाले, यहाँ पे भी मतलब चांसेस है कि आपको यहाँ से भी ये कार्ड्स वगैरह मिल जाए। तो यार मतलब ये सब इवेंट्स आप देखते रहो, मैच करते रहो, ठीक है। तो गाइस यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। देखो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना यार, बुरा लगता है, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मतलब क्या मज़ा आएगा यार, मतलब मेहनत का कुछ तो फल दो, सब्सक्राइब करके जाना होगा। देखो मैंने आपके लिए ये जो प्रॉब्लम थी उसके लिए मतलब उनसे थोड़ी बातचीत करी और उसका थोड़ा सॉल्यूशन मैंने बता भी दिया है कि किस तरह से हम ले सकते हैं, हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस मेरे को बताओ कि वो मतलब क्या था यार ये जुलाइट, ये क्या हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट में बता दो मेरे को। तो गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, ठीक है। ये गेम प्ले वीडियो नहीं थी जिस पर हमने बातचीत कर दी, और गाइस अब मिलेंगे गेम प्ले वीडियो में, ठीक है, गेम प्ले वीडियो में, अब मैं सही कह रहा हूँ। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अभी तक की वीडियोस के साथ में, और मंकी किंग के सपने देखते रहिए, ठीक है। मैं सपना नहीं कहूँगा, मतलब आपको मिल जाएगा जल्दी। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।